होमगार्ड स्वयं सेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत होमगार्ड्स का 30 लाख रुपए का बीमा सुविधा प्रदान की गई है। मान्यवर, अब मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रमुख विभागों की मुख्य मुख्य योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूँगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर केयर यूनिट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है, जिस पर कुल 150 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा, प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं व 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में BSc नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गई है। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा है तो 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर लेवल द्वितीय को ट्रामा सेंटर लेवल 1 Apex ट्रामा सेंटर 200 में उच्चीकृत किए जाने हैं तो 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना लक्षित है तथा 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक 2 यूनानी तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। राजकीय आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में औषधियों की समुचित व्यवस्था तथा 50 बेडेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय 11 जनपदों में स्थापित है तथा 6 जनपदों में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप एवं IT सेक्टर से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू की गई है। प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में FDI फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश का आकर्षित करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण
ये तो 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट स्मार्टफोन बांटे गए हैं। ये प्रक्रिया गतिमान है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में हेतु 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। मान्यवर, स्थापना और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। अपराध पर लगाम लगी है। अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है। 8 से 7 वर्ष पूर्व कोई यह कल्पना ही नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पाएगा। यहाँ दो पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। पैदा नजर नजर में एक ऐसा मुकाम कर, दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर। सड़क हेतु, सड़क एवं सेतु, राजमार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2,881 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1,750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण नवनिर्माण पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे ऊपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,350 एवं ग्रामीण सेतुओं हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हमारी सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिससे 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिसका लाभ 46,69,000 कृषकों को प्राप्त हुआ। विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.10 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1,100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं नाबार्ड पोषित के लिए 1,530 करोड़ 60 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि अनुरक्षण मद हेतु है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,020 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्षा जल संचयन एवं भू जल संवर्धन योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 51% अधिक है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एवं चेक डैम निर्माण हेतु 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 23% अधिक है। नागरिक उड्डयन, प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति ही भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS-1 तथा राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से की जा रही है। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स तथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है तथा म्योरपुर, सोनभद्र व सरसावा, सहारनपुर एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु भूमि क्रय मद में 1,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1,150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा,
वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18.09 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। वर्ष 2017-18 से 1,21,324 मजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए हैं। पारेषण तंत्र की कुल क्षमता तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी, को वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 28,900 मेगावाट तक किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावाट तक किया जाना लक्षित है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना प्रायोजित है। वर्ष 2016-17 में उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाइयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है। ग्रीष्मकाल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थीं, जो अब लगभग 2600 मेगावाट है। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं प्रस्तावित की जा चुकी हैं। अयोध्या एवं वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। पीएम कुसुम घटक C1 के अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुना है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। आवास एवं शहरी नियोजन मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगर विकास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किए गए, जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। योजना हेतु लगभग 3948 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2 योजना हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किए जाने हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60% अधिक है।
प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना है। नगरीय सेवाओं और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 63% अधिक है। काना गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। नियोजन त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत 95 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रुपए एवं बुंदेलखंड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 34,14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक अद्यावधिक 2,03,000 आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए 2520 करोड़ रुपए की GST सहित की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 3668 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 4,867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है।